नमस्कार, मैं उषा भार्गव। स्वागत है आपका प्राइम छत्तीसगढ़ में। धमतरी में युवा कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव और छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस प्रभारी डॉक्टर पलक वर्मा और प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष आकाश व शर्मा ने आज धमतरी जिला युवा कांग्रेस की बैठक की, जिसमें यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो अभियान सहित आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की गई। वहीं कार्यक्रम में मुख्य रूप से आनंद पवार, संभाग प्रभारी भावेंद्र गंगोत्री, जिला प्रभारी जुल्फिकार अली और अन्य युवा कांग्रेसी उपस्थित रहे। अगली खबर महासमुंद से है, जहां पिथौरा कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में आज दूसरे दिन 3 छात्राएं, 1 विद्यालय कोरोना पॉजिटिव हो गया। बता दें कि लगातार कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं, तो वहीं संक्रमण के मद्देनजर 1 सप्ताह तक बालिका कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय बंद करने का निर्णय लिया गया है और सभी पॉजिटिव छात्राओं को होम आइसोलेशन में रखा गया है। आज राजधानी रायपुर के अंबेडकर चौक पर डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी की जयंती पर उनको याद किया गया। एक तरफ जहां देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ बाबा साहब अंबेडकर जी दबे कुचले समाज को अधिकार दिलाने के लिए संगठित होकर संघर्ष कर रहे थे, तो वहीं पूज्य बाबा साहेब ने समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों को शिक्षित होकर संगठित होकर संघर्ष करने की प्रेरणा दी। छत्तीसगढ़ में कोरोना का विस्फोट शुरू हो गया है। आज प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ नए मरीज मिले हैं, वहीं मरीजों की बढ़ती संख्या ने सरकार की भी चिंता बढ़ा दी है। बता दें कि प्रदेश में कुल 264 नए कोरोना मरीज मिले हैं। नए कोरोना मरीजों के साथ ही प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट अब बढ़कर 6.35% हो गया, तो वहीं कुल 4,158 सैंपल की जाँच की गई, जिसमें 264 नए मरीज सामने आए। छत्तीसगढ़ में कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 727 हो गई है। रायपुर में एक साथ 94 कोरोना मरीज मिले हैं। वहीं रायपुर में विधानसभा हॉल में अंबेडकर जयंती पर विधानसभा की ओर से और छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से नमन और पुष्पांजलि अर्पित की गई। बता दें कि अंबेडकर जी के आज भारत में समानता और भाईचारे का माहौल है और भारत के हर एक व्यक्ति को मौलिक अधिकार प्राप्त है, तो वहीं कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरण दास महंत, सचिव सहित और भी अधिकारी मौजूद रहे। बाबा साहब ने जो हमें संविधान के रूप में हम सबको जीवन जीने का तरीका दिया है, जहां बंधुत्व है, समानता है, एकता है, भाईचारा है, वही आज भारत का मजबूती का कारण है। हम सब लोग संविधान को अक्षुण बनाए रखने के लिए ईश्वर से भी प्रार्थना करते हैं, हमारे समाज के लोगों को भी प्रार्थना करते हैं कि यही संविधान ही हमारा रक्षक है, हमारा ईश्वर तुल्य है। छत्तीसगढ़ की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।